कार के टायर में हवा होती है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या कार के टायर के अंदर नोटों का बंडल आपने कभी देखा है? चौंकिए मत, ऐसा अजूबा हुआ है झारखंड में। राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, प्रथम चरण का मतदान पूरा हो गया है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। ऐसे में चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और विभिन्न चेकिंग पॉइंट्स पर राज्य में आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में गिरिडीह जिले में देवरी थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग में एक स्विफ्ट कार को रोका गया। जांच में कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कार की स्टेफनी टायर के अंदर 25 लाख रुपए कैश रखा गया था। टायर से भारी मात्रा में कैश बरामद होते ही कार सवार तीन युवकों को हिरासत में ले लिया गया। पूरे मामले की जानकारी गिरिडीह जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और गिरिडीह के SP डॉक्टर विमल कुमार को दी गई। साथ ही इसकी सूचना आयकर विभाग को भी भेजी गई। बता दें कि गिरिडीह जिले का देवरी थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में भारी मात्रा में कैश ले जाया जा रहा है। गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस की टीम एक्टिव हो गई और वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी बीच उस कार के पहुंचते ही पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की। कार की चेकिंग के दौरान पहले तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन जब कार की स्टेफनी को चेक किया गया तो सभी के होश उड़ गए। कार की स्टेफनी के टायर के अंदर हवा नहीं बल्कि नोट भरे गए थे, वो भी 1-2 लाख नहीं बल्कि 25 लाख। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि भारी मात्रा में कैश टायर के अंदर छुपा कर रखा गया था। टायर में अजीबोगरीब तरीके से छुपा कर रखे 25 लाख कैश बरामद होते ही कार सवार युवकों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में युवकों ने बताया कि ये कैश वो लोग देवघर से धनबाद लेकर जा रहे थे। हालांकि ये पैसे किसके हैं और क्या इन पैसों का उपयोग विधानसभा चुनाव के दौरान किया जाना था, इन सवालों के जवाब अभी भी पुलिस को नहीं मिले हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। TV9 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।